क्या सजाऊंगी उसको बच्चे को, क्या भाग लेंगे इसमें का है वो लगेगा उसका विदाउट गाइडेंस वो होगा। छोटी छोटी हाँ जी वो क्या नाम है फिर वो जो नवीना और वो ये पंकज का पता नहीं बाकी नहीं हमारे को पंकज है तो फिर चिली चिकन शिमला में इस वर्ष रिज पर जो होली खेली गई ये उसके दृश्य हैं और सामने आप देख रहे हैं कि दुकानें बंद हैं होली की वजह से, और लेकिन जो अधिक जो बच्चे ही थे रिज पर जो होली खेल रहे थे कॉलेज से आए हुए लड़के लड़कियां, और इन्होंने बहुत मज़ा होली का लिया, बहुत आनंद उठाया कह सकते हैं, और धूप भी खिली हुई है और इसमें होली का और भी मज़ा था। और सबसे बड़ी जो बात आज है, आज इंटरनेशनल वीमेन डेज भी है और काफ़ी महिलाएं कॉलेज की लड़कियां भी रिज पर इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी है, और माल रोड पर भी इनका घूमना आप देख सकते हैं सामने, इनकी टोपी गुफा रेस्टोरेंट भी है सामने, रिज है, रिज पर ही होली खेल रहे हैं लोग, और जैसा आप जानते हैं काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं, टूरिस्ट भी हैं, पंजाब से आए हुए हैं, यहाँ भी रिज पर आनंद ले रहे हैं। होली हर वर्ष मनाई जाती है और कॉलेज और स्कूल के बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसीलिए रिज पर ये इकट्ठे होते हैं और यहाँ सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो कि इस त्यौहार की एक परंपरा है, रंगों का त्यौहार भी इसे कहा जाता है। होली को बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं जब एक दूसरे को भाईचारा दिखाकर रंग लगाते हैं और होली मनाते हैं। सारे देश में होली मनाई गई तो शिमला में भी इसी तरह से होली का पर्व मनाया गया है और रंग लेकर एक दूसरे को रंग लगाना यह एक बहुत ही सुंदर त्यौहार है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस दफ़ा मैंने ऑब्जर्व की, देखा लोग अनजान को किसी को आकर दौड़कर रंग नहीं लगा रहे थे और आपस में ही एक दूसरे को जान पहचान में रंग लगाया जा रहा था, लेकिन किसी को अगर तिलक लगाना था तो बिना पूछे वो नहीं लगाते थे, आते थे और तिलक ही लगाते थे, ज़्यादा रंग नहीं ऊपर फेंकते थे। इस दफ़ा रिज पर पानी का भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ होली के लिए, यह भी एक अच्छी बात है। चलो कुछ पानी तो खैर इस्तेमाल करना पड़ता है होली में, बीच बीच में करते भी हैं, लेकिन सूखे रंग जब सर्दी होती है तो ठंडा पानी ठीक नहीं होता, और किसी पर फेंक दिया जाए अगर कहीं वो बीमार हो या कुछ हो तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। रंगों का त्यौहार
बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी अपनी परंपरा है। ब्रज में भी वहाँ होली खेली जाती है, उत्तर प्रदेश में, यानी सारे देश में इस त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन मैं तो सिर्फ ब्रज पर ही ये दृश्य देख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर दृश्य हैं, कैसे रंग लगा रहे हैं। और ये सारे कुछ इनमें टूरिस्ट हैं, लेकिन उनको कोई ज़बरदस्ती रंग नहीं लगा रहा है। फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। यह एक अच्छी बात है कि हम ये त्यौहार मनाते हैं और भाईचारा दिखाते हैं। त्यौहार हर वर्ष आकर हमें इन्हें अच्छी तरह से मनाना होता है। इससे हमारी संस्कृति झलकती हैं, हमारे संस्कार, हमारे बुजुर्गों द्वारा हमारे दिए हुए ये चीज़ें जो हमें सिखाई गई है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म या हिंदुस्तान में होली का महत्व काफ़ी होता है। और ऐसे त्योहारों में रंग लगाकर प्यार का संदेश जाता है, भाईचारे का संदेश देते हैं रंग लगाकर। और जैसा कि समाचारों में भी हमने इस दफ़ा देखा है, भारतीय जो विदेशों के राजदूत हैं और एम्बेसीज हैं, उनके एम्बेसीज में भी होली खेली गई है इस वर्ष काफ़ी। और हमने देखा कि विदेशी भी इसे रंग लगाना को पसंद करते हैं। तो ये दृश्य हैं, आप आनंद लें होली का। और ऐसे भी आज मौसम विभाग ने भी कहा है कि शाम को बारिश होगी, शाम के समय बताया है, और बारिश हो सकती है, 3-4 बजे के आसपास आ सकती है, ऐसा कहा है। कई बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सही नहीं होती है। तो आज देखते हैं, होली है, जैसा कि हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि होली के बाद बारिश होती है या होली वाले दिन भी बारिश होती है। भगवान सृष्टि जो है वो भी बारिश कर बारिश की फुहारें देकर एक किस्म से होली खेलते हैं। यह भी एक अच्छा प्रकृति का नियम है। और देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। अगर बारिश होगी तो उसका वीडियो भी मैं बना के इसमें जोड़ूंगा और आपको दिखाऊंगा। आप मजा लें और वीडियो को देखें और आनंद उठाएं, और अपने आप को भी देखें जो वीडियो देख रहे हैं कि उनकी इसमें वीडियो में आई है, वीडियो बनी है, फ़ोटो आई है। बच्चे जितने कॉलेज के हैं वो सभी देखें तो और इसे पसंद करें। और मैं समझता हूँ कि ऐसे त्यौहार मनाने चाहिए और प्यार से मनाने चाहिए। और ध्यान रहे कि किसी को ज़बरदस्ती रंग ना लगाएं और उनके कपड़ों पर मत फेंके। कोई काम पे जा रहा हो तो उसे कार्यालय भेजाना होता है, कुछ काम होते हैं, कोई बीमार भी होते हैं, तो पानी सूखा रंग इसलिए काफ़ी अच्छा होता है। देखें, आनंद उठाएं वीडियो को और अपना सहयोग दें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई इसमें कोई सुझाव हो मेरे वीडियो को आगे कुछ और करना हो तो भी आप बताएंगे, अपनी सलाह देंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप आनंद लें वीडियो का, और आपका धन्यवाद। आप इसको वॉच किया करें और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे वीडियो को, ताकि जो आने वाले वीडियो हों वो आप फिर से देख सकें। धन्यवाद। आगे भी देखें। Thank you.
खेलने गए थे पहले कभी दिन में यहाँ होली खेली जा रही थी और इस वक्त जो है बारिश हो रही है शिमला में। होली के बाद मौसम विभाग ने भी कहा था कि बारिश होगी और आज सचमुच में जो वेदर रिपोर्ट थी मौसम विभाग की वो सही रही। आप देख सकते हैं लोग छतरियों में चले और बारिश है। रिज अब खाली है, जैसा आपने पहले वीडियो में देखा तो वहाँ लोग कैसे रंग खेल रहे थे दिन में और इस वक्त बारिश है। बहुत ही सुंदर वातावरण है रिज का, आप देख सकते हैं। और शिमला का एक प्रसिद्ध स्थान है ये, और सामने आप देख सकते हैं चर्च है और जाकू की पहाड़ियाँ सामने दिख रही है, तो बहुत सुंदर। लेकिन बारिश लगी है, इस वक्त लोग रेन शेल्टर में खड़े हैं। ये गुफा रेस्टोरेंट है सामने। बोल रहे पर उन्होंने सब हेलो जो उनके साथ जोड़ रही है वो हमको और मिट्टी मैं बोलूँगा।